अस्सलामु अलैकुम, कैसे आप सब? अल्लाह से दुआ, आप सब अच्छे रहें, खुश रहें, तंदुरुस्त रहें। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी अच्छी हूँ और मेरे सारे काम हो चुके हैं। और आपको एक बात बतानी, हमारी जो बिल्ली थी बड़ी वाली दो, उसमें एक जो छोटी बिल्ली थी उसने बच्चे डाली 5, लेकिन एक बच्चा मर गया। पता नहीं क्या हुआ था उसको, रात को 3:30 बजे डाली उसने, तो अभी 4 बच्चे हैं। तो वही अभी उन लोगों का ख्याल रखते थे, बताती हूँ आपको। ये देखिए, ये बिल्ली ने बच्चे डाली हैं, जो उस दिन ऊपर लटक गई थी, जो निकल नहीं रही थी, फिर ये आ गई थी नीचे कुछ टाइम के बाद, और इसने बच्चे डाली है। ये 4 बच्चे देखिए, सेम अपने जैसे ही डाली, कितने प्यारे हैं। वाह, देखिए ये कितने अच्छे हैं। रात को डाली 3:30 बजे, हम लोग इसको लेकर सुबह तक जागे, क्योंकि ये बहुत पहले भी इसने बच्चा डाली थी, तब बहुत परेशान करी थी, और अभी भी इसने बच्चे डाली तो परेशान। आकर इनको दूध पिलाने के लिए तैयार ही नहीं, इसको पकड़ पकड़ के बिठा कर हम लोगों ने बच्चों को दूध पिलाया। अभी बच्चे दूध पी के थोड़ा खेल रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे। अरे बाबा बाबा, प्यारे प्यारे बच्चे। तो ये बैठी है, बाकी तो हमारे जो दूसरे हैं घर के मेम्बर्स, वो मस्त घूम रहे। अभी तो इनका खाना पीना हो चुका है, बैठे हैं, और मेरा भी सारा काम हो चुका है, कपड़ा बर्तन नहाना सब कुछ। शाम हो चुकी है, बज रहे हैं 6:15 हो रहे, मस्त बारिश आ रही है, अच्छा लग रहा है मौसम। वाह, दिखाती हूँ आप लोग को, आप लोग अभी बारिश आ रही तो मुझे ज़रूर बताइए प्लीज़, ज़रूर। देखिए कितनी अच्छी बारिश आ रही है। ओह वाह, जब बारिश आती है ना तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत ठंडा लगता है ना। एक्चुअली 4 महीना इतनी गर्मी रही, 3 महीना ही सही, पर बहुत गर्मी रहती है, लेकिन जब बारिश होती है तो सुकून मिलता है, बहुत अच्छा लग रहा है ठंडी ठंडा। और मैंने चढ़ाई है चाय, मेरी हो रही है चाय, चाय बन रही है मेरी, क्योंकि अभी बज रहे हैं 6:15। और एक तरफ मैंने चला दिया है कढ़ाई, चढ़ा दी है, क्योंकि मैं बना रही हूँ मसाला मैगी। तो आप लोग देखिए मैं कैसे बनाती हूँ मसाला मैगी। इसमें पहले डाल देते हैं हम थोड़ा से तेल, ज़्यादा नहीं, क्योंकि ये सिर्फ मैगी बन रही मसाला, थोड़ा सा तेल। और इसके अंदर हम डाल देंगे कांदा, उसमें हरी मिर्ची जितनी आपको तीखी चाहिए, और टमाटर। तो हमारा कांदा हो जाएगा, मैं 3 मैगी की बना रही हूँ, 3 मैगी। तो ये 3 मैगी की मैं बना रही हूँ मसाला मैगी। वैसे तो मसाला मैगी मिल जाती है मसाला मैगी करके, तो मैं बना रही हूँ। देखिए मैंने डाल दिया इसमें कांदा, थोड़ा सिर्फ लाल हो गया ये बस। तो चाय हो रही है हमारी, अब इसमें हम डाल देंगे टमाटर। ऐसे हम डाल देंगे मिर्ची की बुक्की, हल्दी की बुक्की, थोड़ी से हल्दी, थोड़ी से मिर्ची। हमें मिर्ची और हल्दी डाल के थोड़ा से नमक भी डाल दीजिए, वैसे तो नमक होता है मैगी में, फिर भी हल्का से, ताकि हमारे टमाटर गल जाए। चाय मेरी हो चुकी है, गौहर को चाय बिस्किट खानी है, इसलिए वो मैगी नहीं खा रही, वो चाय बिस्किट खाएगी। गौहर अस्सलाम वालेकुम। बस बस बस, गौहर पिएगी चाय, मैं चाय बिस्किट, वो चाय नहीं पीती है,
कुछ ऐसा खाने के लिए रहेगा तो वो खा लेती हूँ। तीनों बच्चे मेरे, तीनों भी चाय नहीं पीते। और टमाटर अच्छे से गल जाए फिर इसमें हम पानी डालेंगे और पानी बॉईल होगा उसके बाद में इसके अंदर मैगी और 2-5 मिनट पकेगी वो, हो गया। फिर मेरे टमाटर गल चुके हैं और फिर भी मैं डाल रही हूँ पानी। पानी भी इतना ही डालिए जितनी हमारी मैगी इसमें आ जाए, वरना क्या होगा पानी ज़्यादा हो जाएगा तो मैगी इतनी पतली पतली हो जाएगी। तभी इसमें बॉईल आएगा तो इसमें मैगी हम ये जो मैंने प्लेट में निकाल के रखी है वो डाल देंगे, इसमें बस एक बॉईल आ जाए। अयाज मस्जिद से आया तो उसे नान खटाई मिली, आज इज्तिमा था तो उसे नान खटाई मिली, उसने नान खटाई ला कर दिया अयाज ने। मुझे बहुत अच्छी लगती है नान खटाई ऐसी वाली, गौहर को ही मिलती है, गौहर जाती है जुमेरात की तो, है ना गौहर? अयाज लेकर आया है। और ये देखिए हमारी बिल्ली अपने बच्चों को दूध पिला रही है, और वहाँ पर छोटी वाली बिल्ली दूध पिला रही है, और यहाँ पर ये वाली बिल्ली दूध पिला रही है। हाँ बेटा, हाँ बच्चा, सुनू एक दो तीन चार, ये क्यों नहीं पी रहा है? हाँ को छोटी सो रहा है वो बाबू। हमारी मैगी में बॉईल आ चुका है, देखिए इस तरह मैगी बॉईल होती होगी तो उसमें हम ये मैगी नहीं पानी तो हम ये डाल देंगे। चिपक गई है अच्छे से, इसे कर लेंगे मिक्स। बस अभी ये सूख जाएगी इसी में अच्छे से तो हो गई हमारी मैगी फ्राई की है। और उसका जो पाउडर होता है मैगी का वो हम इस वक्त डाल देंगे क्योंकि वो पहले नहीं डालते हैं, अभी ही डालते जब तक जब आधी मैगी पक जाती है। तो तीन मैगी थी इसलिए 3 पैकेट है। तब अच्छे से हम कर लेंगे इसे मिक्स। तो हमारी हो चुकी है मैगी, गैस कर देंगे हम बंद, हमारी मैगी बन चुकी है। अब हम इसे प्याले में निकाल लेते हैं। तो हमारी बन चुकी है मैगी, तो हमारी बन चुकी है मैगी। जैसे कि आपने देखा इसके अंदर और भी चीज़ें डाल सकते हैं, जैसे अब इसके ऊपर आप डाल सकते हैं चीज़ डाल सकते हैं, पनीर फ्राई करके डाल सकते हैं, कोई भी तरीके से इसको करके खा सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी लगती है, बच्चों को बहुत पसंद आती है मेरे। और ऐसे ना बारिश का सीज़न होता था जैसे हमें भजिए की याद आती है तो हम बहुत चीज़ें बनाकर खा सकते हैं, और ये मैगी बहुत अच्छी लगती है बारिश का सीज़न। तो मैंने देखा ना कि बारिश आ रही है तो मैंने सोचा चलो मैगी बना लेते हैं, पर अच्छा भी लगता। बच्चे बोल भी रहे थे कल से, तो कल मौका नहीं मिला, टाइम नहीं मिला, दवाखाना गई थी। तो चलिए अभी देती हूँ मैं बच्चों को मैगी और मैं पीती हूँ थोड़ी चाय, उसके बाद मिलते हैं फिर से। ये देखिए मेरे गोद में कैसे सो रहा है, ये इसका नाम है जिमिन। ये ऐसे ही सोता है, इसको अच्छे से लाड़ करो, सोता रहता है। हाँ बेटा, ए जिमिन। और एक जो है यहाँ बैठा है, दो जो है वहाँ बैठे हैं, और ये मेरी गोद में बैठा है।
तो बाहर इतनी जोर से आ रही है बारिश और हमारे घर में भी गिर रहा है पानी, थोड़ा थोड़ा पानी गिर रहा है। प्याज़ ने रख दिया है टीवी के ऊपर प्याला बड़ा, और मैं फ्री हूँ खाना। तो मैंने चढ़ा दिया है तेल, बना रही हूँ अंडे का सालन, अंडा फोड़ कर जो बनाते हैं वैसा। अभी मैं गरम कर फ्राई कर रही हूँ आलू। तो पहले फ्राई कर रही हूँ आलू। बहुत तेज़ बारिश आ रही है, बहुत तेज़। बोलते ना ऊपर वाला जब देता है तो छप्पर फाड़ के। इतने दिन से बारिश नहीं हुई और अब हुई है तो इतनी ज़ोर से हो रही है, कैसे काफ़ी दिनों से हो रही है बारिश। अब हम लोग के यहाँ से पानी आना चालू हो जाएगा, रात को हो सकता है मुश्किल हो जाएगा सोना। यहाँ चढ़ गया मेरा राइस, बताती हूँ मैं। देखिए यहाँ से आ रहा है पानी थोड़ा थोड़ा, ये ज़्यादा बारिश रात तक गिरी तो बहुत फास्ट हो जाएगा ये पानी। देखिए टपक रहा है पानी, ऐसे ही होता है हम लोगों को हर बार। हमारे जानवर भी है घर में। देखिए पानी गिर रहा है नीचे, ये पूरा नीचे पानी गिरा है, यहाँ से टपक रहा है पानी, और यहाँ से भी आ रहा था पानी। तो अयाज ने रख दिया है प्याला, टीवी के ऊपर गिर रहा था पानी तो अयाज ने रख दिया प्याला, क्योंकि यहाँ से गिर रहा है पानी। अल्लाह जाने अब क्या होगा। ज़ोरदार बारिश अगर रही इसी तरह सुबह तक तो सब जगह से हमारे घर में पानी हो जाता है चालू। अल्लाह मालिक है, अभी देखते हैं। अभी तो मैं बना रही हूँ खाना, फटाफट मेरा खाना हो जाए, उठा के रखो, फिर देखो कहाँ कहाँ से पानी आ रहा है। मेरा आलू हो गया है फ्राई, अभी मैं इसे निकाल देती हूँ, फिर मैं इसमें डाल दूँगी जो मैंने मसाला पीसा है वो। ये मैंने पीसा था मसाला, और उसमें थोड़ा से पानी मिलाकर, और तो हम इसे अच्छे से भुन देते हैं। भून अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा से मिर्ची पाउडर, थोड़ा से हल्दी पाउडर, और थोड़ा से गरम मसाला पाउडर। अब इसे अच्छे से हम भुनने देंगे। एक्चुअली ये जो मसाले में मैंने क्या क्या डाला था, सूखा नारियल थोड़ा से मतलब 50 ग्राम के आसपास, 3 टमाटर, 6 छोटे छोटे कांदे, और अपना मिर्ची, कोथमीर, अदरक, लहसुन, ये सब मिक्स करके इसे पीस लिया था। तभी हम इसे इस तरह बंद कर देते हैं, ये अच्छे से भुन जाएगा, फिर हम इसे बाद में देखते हैं। तो मैंने जो मसाला रखा था भुनने, मैंने एक बार खोल के बीच में चला लिया था, तो अभी देखिए मसाला पूरी तरीके से भुन चुका है। तो इसमें हम डाल देंगे अभी जो हमारे फ्राई किए हुए आलू, और इसमें डाल देंगे थोड़ा से पानी, जितना भी चाहिए उतना ही डाल सकते हैं, तो हम डाल देंगे इतना पानी, क्योंकि आलू मैंने फ्राई तो किए लेकिन पूरी तरह गले नहीं है, वो थोड़े कच्चे ही है, और वो जो कच्चापन है इसमें निकल जाएगा अभी, तो वो पूरी तरह गल जाएंगे आलू, फिर उसके बाद में हम इसमें डाल देंगे अंडा फोड़ के। तो अभी इसे गलने देते हैं, एक दो बॉयल में तो गले जाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी ये फ्राई है तो हो जाएगा। तो हम इसे कर देते बंद, देख लेते हैं अभी ढक्कन हटाकर। सालन उबल रहा है और हमारा आलू शायद गल चुका है, देखते हैं आलू। गल चुका है, तब तो इसमें अंडा छोड़ेंगे, अंडा डालेंगे, एक एक करके अंडा फोड़कर डाल देंगे।
मैं 6 अंडे का बना रही हूँ, आप ज़्यादा भी बना सकते हो। और इसका जो ग्रेवी का है, जो जो मैंने डाला है, कांदा नारियल, तो आप थोड़ा ज़्यादा भी कर सकते हो, तो ग्रेवी भी हो जाएगा। अब इसे हमें फास्ट पे 5-7-8 मिनट पकने देते हैं, उसके बाद में हम देखते हैं। तो अभी देख लेते हैं हम बॉईल आ गया होगा। आ तो गया है बॉईल, और अंडा जो हमारा वो देखिए अंडा पक गया है। तो इसे निकालेंगे नहीं, वरना ये क्या होता है, फूट फूट बिखर जाता। हम डालेंगे इस पर भाई, डेकोरेशन तो ज़रूरी है और इसका फ्लेवर आएगा वो अलग। तो अब हमारा हो चुका है, हमने बंद कर दिया गैस, और गैस भी काफ़ी गंदा हो गया, फिर साफ़ करना है। तो सालन हमारा हो चुका है, आप भी ज़रूर बनाइए और खाइए। तो देखा आपने, मैंने बना लिया सालन और राइस। तो अभी हमारा खाना, अभी तो टाइम है, वैसे भी बज रहे हैं 9:30-10:30 तक खाते हैं। तो आप लोग भी ज़रूर बनाइए, ज़रूर ट्राई कीजिए, आप लोगों को भी अच्छा लगेगा। और कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइए। तो चलिए मैं यहीं पर एंड करती हूँ। तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब मुझे ज़रूर कीजिए, मेरा वीडियो पसंद आया तो ज़रूर कीजिए। तो मिलते हैं दूसरे ब्लॉग्स में। अल्लाह हाफिज़।